नमस्कार वन इंडिया, हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदु चंदेल। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उससे 3 दिन पहले कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने बड़ा झटका दिया है। पार्टी की अमृतसर इकाई के कई नेता आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। दरअसल कांग्रेस के 3 और पार्षद और कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। आप में शामिल होने वाले पार्षदों में मनदीप आहूजा, प्रियंका शर्मा और गुरजीत कौर शामिल हैं। बता दें कि कल ही अमृतसर के मेयर करमजीत सिंह रिंटू ने भी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली थी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब चुनाव को लेकर कांग्रेस को घेरते रहे हैं। केजरीवाल ने हाल ही में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस ने 5 साल में पंजाब का माहौल खराब कर दिया है। हम जनता को आश्वासन देते हैं, आपकी सरकार शांति और भाईचारा कायम करेगी। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। केजरीवाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि व्यापारियों का डर दूर करने के लिए हम इंस्पेक्टर राज और रेड राज खत्म करेंगे ताकि कारोबार को सुरक्षित माहौल मिले। जैसे हमने दिल्ली के व्यापारियों का दिल जीता है, उसी तरह हम आपका भी दिल जीतेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।